आगरा के एतमादपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पथराव के मामले में 18 नामजद और 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीएम आपको बता दें, एक ही समुदाय के दो पक्षों में देर रात हुए पथराव में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट पथराव के मामले में एतमादपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना एतमादपुर क्षेत्र के मौला शेखान का मामला। खबर एक्सप्रेस वक्त की बड़ी खबर। मारपीट और पथराव के मामले में 18 नामजद और 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक ही समुदाय के दो पक्षों में देर रात हुए पथराव में 5 लोग गिरफ्तार। मारपीट और पथराव के मामले में एतमादपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना एतमादपुर क्षेत्र के मौला शेखान का है पूरा मामला। खबर एक्सप्रेस वक्त की बड़ी खबर। मारपीट और पथराव के मामले में 18 नामजद और 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक ही समुदाय के दो पक्षों में देर रात हुए पथराव में 5 लोग गिरफ्तार। मारपीट और पथराव के मामले में एतमादपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना एतमादपुर क्षेत्र के मौला शेखान का है पूरा मामला। 11:30 बजे थाना एतमादपुर क्षेत्र के कस्बा एतमादपुर में मौला शेखान है, जिसमें दो पक्षों के मध्य मारपीट हुई, पथराव किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपनी तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया है। धारा 147, 148, 188, 269, 323, 308, 336 IPC व 7 CLA में और 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया है। अन्य जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विवेचना में जो भी कार्रवाई हुई की गई। कितने लोग नामजद हैं, कितने अज्ञात हैं इस मामले में? कुल 21 लोग इस मामले में नामजद हैं व अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। 5 लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, इनका मेडिकल भी कराया गया है और विवेचना में सारे तथ्यों को संकलित करते हुए सम्मिलित करते हुए कार्रवाई की गई। है बिल्कुल मौके पर टिकट लगाया गया है कि अब स्थिति और खराब हो और अभियोग पंजीकृत के कार्रवाई की।